तो गाइस ये चूतियों की तरह मोड़ रहा था बंदा, इसकी नंबर इसकी रिपोर्ट मारो। ये साला ऐसे मोड़ रहा भी दोनों तीनों बाइकों का एक्सीडेंट करवा देता है ये। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पहाड़ों पे घूमने, हमारे भाई साहिल और चार पल लोंडे हो रहे जाएंगे पेट्रोल करवाने जा रहे हैं। ये देखो ये दो तीन बंदे गाइस, अभी फोकट हो गया, पेट्रोल पंप पे गए थे, टंकी की चाबी नहीं है, इसके बाद तो दोबारा घर जा रहे हैं 2-3 किलोमीटर वापस। टंकी की चाबी नहीं रह के वहाँ गए और फोकट करा दिया साले ने। तो अभी इनने मेरे को यहाँ छोड़ा और ये चाबी लेने गया, तो गाइस यहाँ गया चाबी लेके, ले आया चाबी, अब खुल जाएगी टंकी। तो चलते हैं दोबारा से पेट्रोल पंप, निकलते साथ ही पोपट हो गया हमारा पेट्रोल पंप पे। सब बंदों की चाबियां छीन ली, टंकी भर ले लेते भी निकली। फिलहाल ट्रैफिक में फंस गए, अब तो आज तो पता नहीं क्यों देर पे देर हो रही है, अभी निकले भी नहीं है ढंग से। और बताओ यार, पोपट में पोपट होते जा रहे हैं। ये बंदा यहाँ से लेके आया था, हम यहाँ पे बाइकों पे आ रहे थे, इनने एकदम मोड़ी और बच गई, हमारा एक्सीडेंट होता बहुत गंदा। ये साला है, मतलब तीनों बाइकें थी और ये बंदा ऐसे ला रहा है, अभी तीनों का मरवा बैठा, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहा और हमसे बहस कर रहा है। और देखो ये शकल देख लो इसकी, कहीं भी नहीं अंकल कोई बात की बात नहीं है, तीनों मर जाते तो हम की तरह ऊपर से अपनी गलतियां भी नहीं मान रहा है। ये देखो ना इसकी नंबर प्लेट, इस पे कर रहा है ये, वो देखा इंडस्ट्री एरिया पीछे 4 नंबर के अंदर मुड़ गए, वहाँ पे कंपनी है लैबोट्रॉन, लैबोट्रॉन कंपनी उससे पीछे से गया। हम जा रहे थे टूर पे, जा रहे थे आप क्यों पूछ रहे हो, ये उल्टा हमसे बहस कर रहा है अपनी गलती मानने की जगह, इन जैसे शख्स की वजह से आज देखते हैं कौन से कहाँ लेके जा रहा है बंदा। ये कह रहा था भाई पहाड़ों पे है मस्त। तो गाइस फाइनली यहाँ पे पहुँच गए पहाड़ों पे, अभी फिलहाल चलते हैं। किधर है पूछ, देखो पहाड़ देखो क्या खतरनाक है, ये अपना राइडर साहब, अब चलेंगे अब दिखाते हैं आपको पहाड़ों के व्यू। चेक करो यार क्या सीन आ रहा है यहाँ, अपने ड्यूक बाकी सारे भाई लोग, ये मंदिर और ये देखो तुम, सब छोड़ो कैसा लगा भाई, वो चीज नहीं देखनी ये देखनी है, ये नदी, ये देखो हैं, मजा आ गया। उनकी तो बाइक ही ऊपर नहीं आई। ये ब्लॉकर, ये पहाड़ चेक करो, जुराब जूते निकालते हैं, ये मंदिर है भोलेनाथ का, छोटा सा मंदिर नहीं है ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, यही है ये मंदिर और ये लोकेशन, ये पहाड़ और ये हम है भाई, ये हमारा छोटा भाई,
हरीश का बचपन है ये, अपने आप ही टूटी खोल के नीचे। चल पड़े अंदर, ये प्रसाद दिया और ये मस्त थे, मजा आ गया दर्शन करके। और ये बंदर हमारे बैग वैग छीन रहे हैं और ये टीका लगा रहा है, डर मेरे संग हो रखा कान चुम चुम मुंडा, मजा आ गया भाई दर्शन। भंडारा खाने को देव चौहान और ये कड़ी चोल खाते हैं, फिर आगे मिलते हैं। आई एम बल्किंग ब्रो, ये बल्किंग बैग उसको कह रहा कि ज्यादा पूरी बाल्टी डाल दे अपनी चावल की, वो भी खाते हैं। लंगर खा के निकल लिया है, क्या कह रहा चप्पलें दोनों पड़ी हैं सही। चल साले तो निकल लिए, अब चलते हैं घर, बाय बाय कहते हैं यहाँ को मंदिर को। और यहाँ पे नहाए थे हम, इसके आगे झील जाके वहाँ पे चलते हैं। बाकी लास्ट टाइम लोकेशन देख लो, फिर आएंगे दोबारा नहा रहे थे वो कैसे हैं। हम तो थोड़ा आगे को नहाए थे, वो चट्टान के एकदम जस्ट नीचे इसके पल्ले साइड, और ये यहाँ पे एक नहाने का, और वो ऊपर से आए हम बिना गाड़ी स्टार्ट करे अपने आप उतर गई हैं। ये देखो सूखी पड़ी है बाकी है। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से सीधी ड्यू करती और ये अपनी बाइक सब हीरो ये भी पीछे आ रही, भाई ने एकदम रोक के मोड़ने की कोशिश की, हमारी स्पीड में थी सीधा बाढ़ दी इसमें। इसको तो चलो कुछ नहीं हुआ, इसको बहुत कुछ हुआ, दिखाइए भाई हाथ हाथ। और इसकी ब्रेक टूट गई और हल्का सा ये यहाँ से ये टूट गया और ये ब्रेक टूट गई, शुक्र है जैसे सारे बच गए। बाकी इसकी छाती में लगी है काफी ज्यादा, ये देखिए ये चोट इतनी लग गई है, इधर भी वो भी दिखा दे वो भी, शुक्र है बचाव हो गया। बाकी अपनी बाइक तो चलो बची गई, इसका तेल गिर गया काफी, उसकी तो ब्रेक वगैरह सब टूट गई, शुक्र है ज्यादा लगी नहीं भाई के, लगी गोड्डे पे।